आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के बाद महात्मा बुद्ध निश्चय करते हैं कि वो सबसे पहले परम सत्य के मार्ग को अपने दोनों आचार्य उदाकर्मा पुत्र और अलार कलाम को बताएंगे। आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले गौतम बुद्ध ने इन्हीं दो गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया था, परंतु एक सीमा के बाद ये दोनों ही गुरु सिद्धार्थ का मार्गदर्शन करने में असमर्थ साबित हो गए। इसलिए सिद्धार्थ इन दोनों ही गुरुओं से आज्ञा लेकर सत्य की खोज में अकेले ही निकल पड़े और अपने सतत प्रयास से उन्होंने जान भी ली और वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। जब बुद्ध अपने गुरु उदाकर्मा और अलार कलाम के आश्रम की तरफ पहुंच रहे होते हैं, तब उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति कहता है कि वो दोनों ही गुरु अब इस संसार में नहीं हैं, दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए बुद्ध उन 5 सन्यासियों की खोज में निकल जाते हैं जो उस समय आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले उनके साथ थे। ये सन्यासी सिद्धार्थ को इसलिए छोड़कर चले गए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि सिद्धार्थ पथभ्रष्ट हो गए हैं। उन 5 सन्यासियों में से एक का नाम कौंडिन्य था। ये भारत के गुरुकुल के गुरु भी रह चुके थे। आपको ये समझना चाहिए कि ये सन्यासी सिद्धार्थ को पथभ्रष्ट क्यों समझने लगे थे। जब हर प्रयास करने के बाद सिद्धार्थ और उनके 5 साथी सन्यासियों को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब वो सभी सन्यासी और सिद्धार्थ सबसे कठिन मार्ग चुनते हैं। धीरे धीरे भोजन को कम कर देते हैं। वो सन्यासी तो फिर भी भोजन करते थे, लेकिन सिद्धार्थ अपने भोजन को इतना कम कर देते हैं कि वो अनाज के एक दाने पे पहुंच जाते हैं। सिद्धार्थ हर दिन भोजन में अनाज का केवल एक दाना लेने लगते हैं, जिसके कारण उनका शरीर एक कंकाल की भांति रह जाता है। सिद्धार्थ बेहद रूपवान थे, लेकिन उनके इतने कठिन तप के कारण वो बिल्कुल कुरूप हो गए थे। उनके शरीर की सभी चमड़ी सिकुड़कर हड्डियों से मिल गई थी, लेकिन फिर भी इतनी कठिनाई के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। फिर एक दिन ऐसे ही सिद्धार्थ नदी किनारे पानी पीने के लिए जाते हैं और पानी पीते समय वहीं पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर एक स्त्री दौड़कर उनके पास आती है और उन्हें पानी पिलाती है। उस स्त्री का नाम सुजाता होता है, जो कि पास के ही एक गांव में रहा करती थी। पानी पीने के बाद सिद्धार्थ होश में आते हैं और उठते हैं। सुजाता कहती है कि जब आप आए थे तब कितने ओजस्वी थे, लेकिन आप ऐसा क्या खोज रहे हैं जिसके कारण आपकी ये दुर्दशा हो गई है। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं मुक्ति खोज रहा हूँ। सुजाता कहती है, ये कैसी खोज है जिसके लिए आपने ये अन्न जल भी सब त्याग दिया है। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो ये मुक्ति मिलेगी किसे। उस स्त्री की बातें सुनकर सिद्धार्थ की आंखें खुल जाती हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, जिस बात को बड़े से बड़े ज्ञानी ना समझा सके वो बात एक साधारण सी स्त्री ने समझा दी। अपने शरीर को सुखाकर मैंने अपना ही नुकसान किया, क्योंकि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो सत्य को जानेगा कौन। अगर अब मैं सत्य को जानूंगा तो इस शरीर के साथ जानूंगा। सिद्धार्थ उसी समय भोजन करते हैं और सुजाता से कहते हैं कि तुम्हारी बातों में बहुत सत्य है। मैं कठोर तप के चरम बिंदु तक गया, परंतु मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी भ्रांति को मिटाने वाली तुम प्रथम गुरु हो। जब ये बात सिद्धार्थ के साथी सन्यासियों को पता चलती है कि सिद्धार्थ ने कठोर तप त्याग दिया है, तब वो सन्यासी उन्हें पथभ्रष्ट कहते हैं और उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। परंतु सिद्धार्थ सत्य की खोज में आगे बढ़ते हैं और कुछ ही समय के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति भी होती है। अब कहानी में वापस आते हैं, जहाँ पर बुद्ध उन 5 सन्यासियों को खोज रहे होते हैं जो उन्हें पथभ्रष्ट समझकर छोड़कर चले गए थे। खोजते खोजते बुद्ध को पता चलता है वो 5 सन्यासी सारनाथ में हैं। ये पता चलने के बाद
बुद्ध सारनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। सारनाथ एक जगह है। जब बुद्ध सारनाथ पहुंचते हैं तो वो सन्यासियों के आश्रम की तरफ जाते हैं। जैसे ही बुद्ध उन सन्यासियों के आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं, वो सभी सन्यासी उन्हें आधा देख लेते हैं और ये योजना बनाते हैं कि कोई भी बुद्ध का सत्कार नहीं करेगा, क्योंकि वो पथभ्रष्ट है। जैसे जैसे बुद्ध आगे बढ़ते हैं, वो पांचों सन्यासी बुद्ध की तरफ आकर्षित होते जाते हैं। वो बुद्ध के चरणों में गिरने से खुद को नहीं रोक पाते। वो सन्यासी समझ जाते हैं कि सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, बुद्ध बन चुके हैं। फिर बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं। उनका पहला उपदेश ये होता है कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को मध्य मार्ग का आचरण करना चाहिए। उन्हें ना तो सुख की अति में पड़ना चाहिए और ना ही दुख की अति में। संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है, ये सत्य है। जन्म दुख है, जन्मा अवस्था दुख है, रोग भी दुख है और मरण भी दुख है। बुद्ध कहते हैं चार आर्य सत्य हैं। पहला आर्य सत्य है संसार में दुख है। जन्म दुखदायी होता है। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उस समय उसे ना जाने कितना दर्द सहना पड़ता है, जो असहनीय होता है। वो बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है वो एक जीवन को त्याग कर दूसरे जीवन में कदम रखता है। ये उस बच्चे की पीड़ा है जिसे वो ना तो जानता है और ना ही समझता है। और पीछे वो संसार यानी कि माँ की कोख जिसमें वो पूर्ण सुरक्षित होता है, वो उससे छूट रहा होता है। बुढ़ापा दुखदायी होता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं व्यक्ति कितना भी ज्ञानी समझदार क्यों ना हो, उसे बुढ़ापे में दुख भोगना ही पड़ता है। शरीर जर्जर हो जाता है, याददाश्त कम हो जाती है और जिसका जीवन बीत रहा है उसे एक दिन इस स्थिति से गुजरना ही पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं बीमारी भी दुखदायी होती है। मनुष्य को अपने जीवन में बीमारी के दुख को झेलना ही पड़ता है। ये ऐसा दुख है जिसे मनुष्य को अपने शरीर से सहना ही होता है और बुढ़ापे में तो बीमारी हो ही जाती है। शरीर कमज़ोर हो जाता है, कई बीमारियों के दुख को झेलता है, मृत्यु दुखदायी होती है। बुद्ध कहते हैं जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु ज़रूर होगी। मृत्यु का दुख बेहद ही दुखदायी होता है। युवावस्था में मृत्यु का भय कम होता है और बुढ़ापे में इसका भय सबसे ज़्यादा होता है। ये ठीक ऐसा ही होता है जब एक बच्चा माँ की कोख को छोड़कर इस दुनिया में आता है। इस दुनिया में उसका एक नया जीवन चक्र चलता है, लेकिन माँ के गर्भ में उसे जो जीवन चक्र मिल रहा था उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा आर्य सत्य ये है दुख का कारण है। बुद्ध कहते हैं जीवन में जो भी दुख है उस हर दुख के पीछे कुछ कारण होते हैं। रोना, चिल्लाना, वेदना, चित्त की उदासीनता, निराशा, ये सब दुख होते हैं, लेकिन इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आकांक्षाएं इसका ना मिलना दुख देता है। मृत्यु का दुख केवल इसलिए है क्योंकि मनुष्य इसे समझता नहीं है। वो उसके लिए ये एक नई चीज़ है जिसके लिए वो तैयार भी नहीं है। मनुष्य का खुद को किसी से जोड़ लेना भी दुख का कारण बनता है। वो व्यक्ति जो 50 चीज़ों से प्रेम करता है उसके लिए 50 तरह के दुख हैं। भोग की कामना, दुनिया में रहने की कामना आदि भी अंत में दुखदायी होती हैं। तीसरा आर्य सत्य है दुख का निवारण है। बुद्ध कहते हैं यदि दुख है तो उसका निवारण भी ज़रूर होगा। यदि हम दुख का कारण समझ जाएं तो इसका हल भी हमें मिल जाता है। लेकिन किसी भी दुख की क्षमता को हमेशा हमें समझना चाहिए। जब दुख आए हमें उसे रोककर देखना चाहिए कि यदि दुख है तो किस कारण से है। यदि हम उसका कारण समझ जाते हैं तो इसका निवारण भी हमें मिल जाता है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं और उस प्रेम के कारण दुखी हैं तो अवश्य उसमें हमारा कोई लोभ छुपा होगा। हम किसी से कोई कामना करते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तब हमें दुख होता है। वास्तविक सुख तब तक नहीं मिल सकता
जब तक व्यक्ति कामना से आज़ाद ना हो जाए, अर्थात वो अपने सभी काम कामना रहित होकर करे। चौथा आर्य सत्य है दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने जीवन को सरल बनाने के लिए अष्टांग मार्ग दिया। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को जीवन में किसी भी तरह के दुख का अनुभव नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दुख नहीं मिलता, दुख मिलता है, लेकिन इस मार्ग पर चलने के कारण वो उसे आसानी से समझ पाते हैं और उसका निवारण भी कर पाते हैं। ये अष्टांग मार्ग हैं इस प्रकार। पहला, सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ है आपके देखने की क्षमता ठीक हो। इसका आशय ये है कि आप जो भी देखें उसे सही दृष्टि से देखें और उसमें अपने विचारों की मिलावट ना करें और किसी भी चीज़ को देखने के नज़रिए को बदलें। किसी भी चीज़ का केवल छोटा पहलू ही मत देखें, बल्कि उसे पूर्ण रूप से देखने का नज़रिया बनाएं। दूसरा, सम्यक संकल्प। इसका मतलब होता है सही संकल्प लेना, जिससे समाज से लेकर मनुष्य तक का विकास, साथ ही नैतिक और मानसिक विकास भी संभव हो। ये संकल्प देश, पात्र और समाज के लिए कल्याणकारी हो। तात्कालिक सुख प्राप्त करने के लिए छलांग लगाने की जगह लंबी अवधि के लिए योजना तैयार करें और ये संकल्प करें कि बिना किसी को दुख पहुंचाए अपनी योजना को पूरा करें। तीसरा, सम्यक वाक। इसका मतलब है कि ऐसी वाणी बोलें जिससे किसी को तकलीफ ना। किसी के सामने कुछ भी बोलने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें, सही समय पर सही बात करें, झूठी बातें बिल्कुल ना करें। चौथा, सम्यक कर्म। इसका मतलब है कि ऐसा कर्म जो समय, देश और काल के अनुसार उचित हो। हम अपनी बुद्धि से ये निर्णय ले सकें कि हमारा कर्म कैसा हो, जिससे किसी को कोई हानि और दुख ना हो, बल्कि देश और समाज की उन्नति हो। पांचवा, सम्यक जीविका। इसका अर्थ होता है ऐसी जीविका जो बिना किसी लालच और धोखे के कमाई गई हो। जो ईमानदारी से जीविका कमाई जाती है उसे सम्यक जीविका कहते हैं। यह जीविका उनके संकल्प का एक हिस्सा होती है, जिससे उनके चेहरे पर एक चमक उत्पन्न होती है। छठा, सम्यक प्रयास। मनुष्य अपने जीवन में गलती करता रहता है, उसे उस गलती से सीखना चाहिए। एक ही गलती को बार बार करना गलत बात है। जब हम पहली बार गलती करते हैं तो हमें उससे सीखना चाहिए, उस गलती को सुधारने का प्रयास करते रहना चाहिए। सातवां, सम्यक स्मृति। हमारा दिमाग कई तरह के लालच और लोभों से भरा रहता है। उसकी स्मृति में कई तरह की गलत बातें आ जाती हैं। बुद्ध कहते हैं, अपनी स्मृति को साफ करो, अपने विचारों को अच्छा रखो, ताकि तुम्हारी स्मृति भी साफ तैयार हो और उसमें कहीं किसी भी तरह का मैल या गंदगी ना हो, जिससे व्यक्ति सभी चीज़ों को साफ और स्पष्ट देख सके, ताकि उस पर उसके गलत विचारों का प्रभाव ना पड़े। आठवां, सम्यक समाधि। ऊपर के सभी सात मार्गों पर चलने के बाद आठवां मार्ग सम्यक समाधि का आता है। जब व्यक्ति ऊपर के सभी मार्गों को अपने जीवन में उतार लेता है, तब वही व्यक्ति इस सम्यक समाधि की तरफ बढ़ता है। ये वही स्थिति है जब किसी ध्यानी को ये अपने ध्यान के अंत में प्राप्त होती है। एक सांसारिक व्यक्ति के लिए भी बुद्ध ने वो रास्ता तैयार किया, जिस पर चलकर वो वहीं पहुंच सकता है जहां पर कोई ध्यान करने वाला व्यक्ति पहुंचता है। ज़रूरी नहीं है कि आप संसार छोड़कर सन्यासी होकर ही ज्ञान को प्राप्त करें। आप बुद्ध के अष्टांग मार्ग पर चलकर भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि बुद्ध की सभी बातों को आप ना अपना सकें, लेकिन अगर आपने इसे थोड़ा भी अपने जीवन में उतार लिया तो आप जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं।